जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको, यह लालघाट क्षेत्र है और यहाँ पर कांग्रेस सांसद प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत जी पधारी हुई हैं और जनसंपर्क के दौरान जो है इनसे तमाम महिलाएं व पुरुष जो है इनसे भेंट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कांग्रेस सांसद प्रत्याशी श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत बालको में पधारी हैं, किस तरह का अभी विगुल बजा रही हैं। मैम नमस्ते, अभी जनसंपर्क कर रही हैं बालको क्षेत्र में आप, और किस तरह के विशेषकर मुख्य बातों को आप जनता के बीच रख रही हैं, अगर कांग्रेस की सरकार जो है आती है देश में तो किस तरह की योजनाएं और किस तरह की महिलाओं और पुरुषों के लिए लाभकारी होंगी? देखिए, मैं जहां भी जा रही हूं अपनी जनता से मिल रही हूं, वैसे भी मैं आती रहती थी, मिलती रहती थी, और पूर्ण समर्थन है हमको। महिला होने के नाते मैं महिलाओं से भी संपर्क करती हूँ और पूर्ण विश्वास है, और केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम इनको ये संदेश दे रहे हैं, राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी का, कि उन्होंने जब मुझे आशीर्वाद दिया है, सेवा का मौका दिया है, तो मैं फिर आपकी सेवा करूं। और हर जो भी परिवार है उसकी एक सदस्य को जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको 8,333 रुपये और 33 पैसे उनके खाते में जाएंगे, सिर्फ एक महिला के। और आंगनवाड़ी लोगों की जो अपनी उनकी जो शायद पे 10,000 है वो डबल हो जाएगी, मितानिनों की, रसोइयों की, और हमारे युवा भाइयों को नौकरी मिलेगी। जो हमारी आबादी है उसका आधा हिस्सा हमारी महिला बहनें होती हैं, तो जो भी नौकरी होगी सरकारी उसमें आरक्षण 50% का उनको दिया जाएगा। और कांग्रेस के ने ये भी सोचा है कि किसान मजबूत और मजदूर मजबूत और महिला मजबूत तो हमारा देश मजबूत। मैम, चुनावी रण में सबों ने अनेकों वादे सभी करते हैं, इस तरह को किस तरह से ये जो योजना है कैसे फलीभूत करेंगे? किससे पहले आज तक इस तरह की योजनाएं नहीं है, निश्चित तौर पर बेहद ही बेहतरीन योजना है। अगर यह फलीभूत हो जाती है तो महिलाओं के लिए जो है एक तरह का मजबूती प्रदान करता है और उन्हें सुदृढ़ करता है। तो अभी हाल ही में विधायक हमारे कोरबा जिले के और मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी ने भी यह कहा कि 5 वर्षों तक आप कोरबा जिले में दिखी ही नहीं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, जो विपक्ष में लड़ रही है वो दिल्ली और दुर्ग की हैं, उनको क्या पता मैं कोरबा में कितनी बार आती हूँ, कितनी बार जाती हूँ, तो हमारी जनता बता सकती है। यहाँ क्षेत्र में पूछ लीजिए, यहाँ जब चुनाव थे तब भी मैं यहाँ थी, एक छोटे छोटे पार्षद के चुनाव में घूमी हूँ। वैसे भी मेरा आना जाना, यदि मैं नहीं आती तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाता, यहाँ पर दूसरे काम हो जाते। तो देखिए, ये जनता और मेरा अपना प्रेम संबंध है, मैं राजनीति नहीं करती, समाज सेविका हूँ, महिलाओं के लिए और पुरुषों भाइयों के लिए काम करती हूँ। मेरा जनता से मतलब है, मैं अनर्गल बातों में नहीं जाती हूँ, एक सामाजिक और पारिवारिक महिला हूँ तो मैं उस हिसाब से चलती हूँ, प्रेम से जीती हूँ, प्रेम से रहती हूँ और इसे चुनाव भी लड़ती हूँ। जी धन्यवाद। यह थी श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, और इन्होंने भी यहाँ पर लगातार अपने जनसंपर्क जो है वह जारी रखी हुई हैं, और यहाँ पर सांसद के चुनाव में यहाँ पर जो है वो सांसद प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, और तमाम यहाँ पर भीड़ है, यहाँ सबों से जनसंपर्क जो है देखिए वह लगातार कर रही हैं, और इतनी भीड़ उनसे मिलने के लिए आई हुई है। और हमने अभी सवाल पूछा उनसे कि भाई अगर इस तरह की योजनाएं हैं, 8,333 रुपया घर के एक महिला सदस्य जो कि गरीबी रेखा में हैं, तो निश्चित तौर पर बेहतर योजना ज़रूर है, किंतु किस तरह से फलीभूत करेगी? सवाल यह उठता है कि इससे पहले जब मातृ वंदन योजना, महतारी वंदन योजना भाजपा की द्वारा जो है केंद्र से लाई गई और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वह चलाई जा रही है, इससे पहले इस तरह की कोई योजना महिलाओं के लिए जो है विशेषकर नहीं दिखाई पड़ रही थी। आज महिलाओं के लिए एक अच्छी योजना कांग्रेस ने भी सोची है कि यदि हम सत्ता में आते हैं और इसमें जीतते हैं तो निश्चित तौर पर हम घर के प्रत्येक महिलाओं को जो गरीबी रेखा में आते हैं उनके 8,333 रुपया 33 पैसे हम उनके खातों में प्रत्येक महीने डालेंगे। तो निश्चित तौर पर यदि सामने वाला कुछ करता है तो विपक्ष में बैठने वाला व्यक्ति भी उसे सीखता है और उसे बेहतर करने का प्रयास करता है। अब यह किस तरह से संभव हो सकेगा यह तो समय की गर्त में है। बहरहाल जनसंपर्क जो है जहां तमाम क्षेत्रों में भाजपा साध रही है वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भी अपने जनसंपर्क कर रहे हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।